एकदम सीरियस कंडीशन में पेशेंट आने की वजह से उनको ट्रीटमेंट तो पूरी है, डॉक्टर की कमी नहीं है, दवाई की भी कुछ कमी नहीं है, सब पूरी केयर लेने के बावजूद भी पेशेंट के बॉडी ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए इनके डेथ हुए वाले हैं अभी। इसलिए वो कैसा है कि ये पेशेंट को बीमारी ही वैसी थी, यहाँ पे कोई नेग्लिजेंस या किस दवाई की कमी, ये रीज़न नहीं इनके डेथ में। वो बच्चे को झटके आ रहे थे तो यहाँ लाए थे ट्रीटमेंट के लिए, सब मेडिकल बाहर से मंगाए। डॉक्टरों का तो कहना है कि यहाँ पर पूरा मेडिकल है। नहीं, बाहर से मंगाए। हंस रहा, सब पेट भी उड़ रहा उसका। अच्छा। पर वो डॉक्टर देख रहे थे नहीं उसको, कब हुआ बोल रहे हैं, इन्फेक्शन हुआ ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा। पर देख रहे नहीं बच्चों को कुछ। बच्चा सीधा कांच में लिख जाके रख दिए। कांच में लिख जाके रखने के बाद उन्होंने ये बोले कि भाई बच्चा बचने के जो है नो चांसेस बोल के बोले। बच्चे की धड़कन वगैरह सब कुछ ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये सबसे बड़ी जो मसला जो खड़ा हो रहा ये लापरवाही का नतीजा है। तो क्योंकि डॉक्टर लोग भी ज़रा उतना कुछ खास देख रहे नहीं, और उसके साथ में जो बाहर के जो वॉचमैन लोग हैं वो भी ज़रा क्या है आने जाने वाले को परेशान कर रहे, तकलीफ़ दे रहे, अरे तुरे से बात कर रहे, इनका रवैया सही नहीं। शिक्षण मंत्री आणि संबंधित सेक्रेटरी, संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष घटनास्थळी गेलेले आहेत आणि या बाबतीमध्ये प्राथमिक माहिती घेतली असता हॉस्पिटलमध्ये 127 प्रकारची औषध त्याचा साठा पूर्ण होता, परंतु सरकारने ही बाब अतिशय गांभीर्याने घेतलेली आहे आणि म्हणून काही जी माहिती मिळाली त्याच्यामध्ये जे मृत्यू झालेले आहे यावर मी डिटेल मध्ये इथे बोलू इच्छित नाही। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज लाईक दिस कीप वॉचिंग इंडिया टुडे न्यूज मोर।